हेलो गाइस, मैं हूं अजय पायर, आपके लिए फिर आज कुछ नया लेकर आया। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि किस प्रकार हमारे पास जैसे दो फाइल होती है, MP3 या वेव फाइल की, तो उस फाइल को एक में कैसे जॉइंट करते हैं या अपने कह देते हैं कन्वर्ट कैसे करते हैं किसी भी फाइल को MP3 में। ठीक है, तो बने रहे इस वीडियो के साथ, हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल एक प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, या आप चाहे तो प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिसका नाम है MP3 कन्वर्ट जॉइंटर, लिख देना आपको प्ले स्टोर में, और जो पहली आपको एप्लीकेशन दिखाई देती है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है अपने फ़ोन में। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद इसे करना ओपन। ओपन करने के बाद मैं आगे की प्रोसेस आपको बताता हूँ। ठीक है, ये अभी देखो। तो गाइज, मैंने इस एप्लीकेशन को पहले से डाउनलोड कर रखा है टाइम की बचत के लिए। ठीक है, अब इसको आपको करना है सिंपल ओपन, या इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करना है। ठीक है, ओपन करने के बाद आपको इस प्रकार के ऑप्शन दिखाई देंगे, लेकिन आपने को सेकंड वाले ऑप्शन में आना है। और ये देखिए, यहाँ पर जो है आपको क्लिक करना है एक बार, यहाँ से आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो आप। ठीक है, फाइंड अदर्स में जाकर यहाँ पर इस पर क्लिक किया मैंने, और यहाँ पर देखे मेरे पास, अब कई बार अपने पास होता है ना, जैसे रिकॉर्डिंग आ जाती है, ये रिकॉर्डिंग है वेव फाइल में, व्हाट्सअप की रिकॉर्डिंग है, जब अपने पास कोई भेजता है ना, सेंड करता है, तो ये वेव फाइल में मेरे पास ये है। अब इसको मैं कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। ये मैंने एक ऐड किया और इस प्लस के आइकन पर दोबारा क्लिक करता हूँ। यहाँ से आप दूसरी को सिलेक्ट कर लेने हैं। ठीक है, यहाँ से आप दूसरी को सिलेक्ट कर लेते हैं अपने, आप भी कर लेना ऐसे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऐसे चाहें तो आप 10-15 में कितने भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको मर्ज पर करना क्लिक, और यहाँ पर आपको पूछ रहा है भी आप किस फाइल में आपको सेव करना चाहते हैं, MP3 वेव फाइल या किसी भी अन्य, आपके अनुसार चुन लेना है इसको। मैं सजेस्ट करूँगा कि इसको MP3 रहने दीजिए, क्योंकि MP3 सभी फ़ोन में डिवाइस में चल जाता है, ओपन हो जाता है आसानी से। ठीक है, तो फिर आपको करना कंटिन्यू, MP3 पर क्लिक करके आपको करना कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद ये एक बार फिर पूछ रहा है आप इसका नाम भी चेंज करना चाहते हैं या लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, कहाँ पर इसको सेव करना, आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसे डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, क्योंकि ये अपने पास आप ही ये अपने को बाद में बता देता है कि आपकी फाइल यहाँ सेव हुई है। यह देखो, कन्वर्ट हो रहा है, 100% होने वाला है, और ये देखो काफ़ी फास्ट भी है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप किसी भी फाइल को अनजॉइंट कर सकते हैं। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, चाहे ना लगी, इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो रोजाना डालता रहता हूँ इस चैनल पर। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग और धन्यवाद।